नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस टीवी हिंदी एकेडमी पर। आप लोगों के अनुरोध पर आज से व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण में सामान्यतः दो तीन चीजें ही होती हैं, एक तो पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, फिर अभिव्यक्ति वाला खंड आता है। तो अभी हम लोग वर्ण विचार से शुरुआत करेंगे और अभी उसी को कवर करने का प्रयास रहेगा और पूरे व्याकरण के अध्ययन के दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनको फॉलो करूं और एनसीईआरटी में जिन चीजों को व्याकरण में रखा गया है उनको लेकर के चलने का प्रयास रहेगा, ताकि चीजें इधर से उधर ना हो, क्योंकि व्याकरण को लेकर के अलग अलग लेखकों की अलग अलग मत हैं। कुछ किताब में कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, तो इससे विद्यार्थी बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मानक चीजों को लेके चला जाएगा, कम ही बनाएंगे वीडियो, लेकिन जो भी होगा वो मानक होगा, तो आप इस पे विश्वास करके चल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले आज वर्णमाला की बात होगी, आइए वर्णमाला पे चलते हैं। वर्णमाला, सबसे पहले तो सवाल ये आएगा कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला को अगर हम तोड़ते हैं तो पहला शब्द निकलता है वर्ण और दूसरा माला। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि, या और माला के लिए कह सकते हैं आप पंक्ति, कतार, श्रेणी या समूह। तो वर्णमाला, इसका अर्थ वर्णमाला से ये अर्थ है कि वर्णों का समूह। और ये सिर्फ वर्णों का समूह कहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक शब्द इसमें और जोड़ना पड़ेगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। अब सवाल उठता है वर्ण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि अखंड मूल ध्वनियां जो भी हैं वो सभी वर्ण है, या ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि, अखंड मूल ध्वनि, ध्वनियों के लिपिगत रूप को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ये सभी जो हैं ये ध्वनियां हैं और ये सभी वर्ण हैं। अब एक पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ये तो बड़ा आसान होता है, ये कोई पूछे अंग्रेजी रोमन में कितने अल्फाबेट्स हैं, तो बड़े आसानी से हम बताते हैं 26 अल्फाबेट्स हैं। लेकिन हिंदी का जहां जैसे ही सवाल आता है तो लोग अलग अलग किताबों के हिसाब से गिनाने लगते हैं, किसी किताब में 45 है, किसी में 48 है, किसी में 51 है, किसी में 52 है, किसी में उससे ज्यादा भी है, 55 भी है। लेकिन हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है और एनसीईआरटी के हिसाब से जो कुल वर्ण है वो 52 है, 52। अब 52 कैसे हैं, उसका हमने वर्गीकरण किया है। आपको पता है कि वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा एक और उसका वर्ग है, वो है अयोगवाह। सामान्यतः बहुत शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो स्वर को पढ़ाते समय अंग और अह इस दोनों को स्वर के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यह 12 खड़ी में आता है। लेकिन अंग और अह मूल रूप से अनुनासिक व्यंजन है, इनमें व्यंजन वाले गुण अधिक हैं। असल में ये अयोगवाह जो वर्ण हैं, ये मूलतः स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि है। इसलिए वर्णमाला को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो स्वर और व्यंजन के बीच में अयोगवाह को रखा जाता है। अब स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कुल 11 हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ, ये कुल 11 जो वर्ण हैं ये स्वर वर्ण हैं। इसमें भी री को लेकर के कई जगह चर्चा होती है। जैसे री को हम, री का जो उच्चारण है वो ये है री, तो इस उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी, इसका उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन में जाना चाहिए, ये री।
लेकिन इसको हम स्वर के साथ रखते हैं क्योंकि स्वर की एक और खासियत है कि हर अधिकार अ को छोड़कर के बाकी जितने भी स्वर हैं उनकी अपनी मात्राएं होती हैं और री की भी एक मात्रा होती है ये। इस मात्रा के गुण के कारण री जो है ये स्वरों के साथ रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है जब हम वर्णमाला बनाते हैं। कुल स्वर 11, अयोगवाह 2 और कुल व्यंजन जो है वो 39 हैं, 39। तो 39 जमा 2 जमा 11 जब आप करेंगे तो आपको 52 प्राप्त हो जाएगा। अब 39 में क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है और संयुक्ति व्यंजन है आपके। तो ये सारे लेकर के आप काउंट करेंगे, 2 उच्छिप्ति व्यंजन है, तो ये सब काउंट करेंगे तो ये आपके कुल 39 प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों कहते हैं जिनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, उनके उच्चारण में मुख विवर से बिना रुकावट के हवा निकलती है। जबकि व्यंजन की परिभाषा करेंगे तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किया जा सकता है। जैसे हल जो लगाते हैं, क में हल लगा दिया, ज में हल लगा दिया, ट में हल लगा दिया, म में हल लगा दिया, तो ये अभी व्यंजन है। लेकिन जैसे ही इनका उच्चारण करेंगे, क अ जो निकल रहा है, ज अ निकल रहा है, ट म, तो ये अ ये व्यंजन ध्वनियां बिना स्वर की सहायता के उच्चरित नहीं हो सकती हैं। तो अभी इस वर्णमाला वाले चैप्टर में, इस पार्ट में, इस अंश में अभी इतना ही हम लोग रखेंगे। और ये चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके कई पार्ट बनेंगे, मुझे लगता है 15-20 पार्ट में जाकर के ये पूरा वर्णमाला या कह लीजिए वर्ण विचार, पूरा वर्ण विचार जो है खत्म हो पाएगा। तो पार्ट वाइज करते हैं, पहले पार्ट में इतना ही है। अगले पार्ट में हम स्वर के बारे में विशेष रूप से जानेंगे, उसकी मात्राओं के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार।